इंदौर जिले में पुलिस प्रशासन द्वारा उजागर मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत पुराने प्रकरणों पर पुनः जांच कर कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते बेटमा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 2016 में हुई हत्या का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 2016 में ग्राम रंगवासा में चंद्रशेखर जोशी के खेत की रखवाली करने वाले नौकर सरदार सिंह भील की पत्थर से सर और चेहरे पर वार कर हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस ने टीम गठित कर इनामी आरोपियों की तलाश शुरू की और घटना में लिप्त दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना के समय दोनों आरोपियों पर 5,000 रुपये की इनाम की घोषणा की थी। ये दोनों आरोपियों ने, दीपक और आपका त्रिलोक ने, जो मृतक था सरदार भील, उसके साथ में बैठ करके इन लोगों ने खेत पर दारू पिया था। शराब पीने के दौरान ही इनके बीच में विवाद हुआ और उसमें सरदार ने इस दीपक राजपूत को गाली दे दिया था माँ की, जिससे अचानक ये आवेश में आकर के और इसने उसको धक्का दे दिया और उसके बाद उसका पत्थरों से दोनों ने मिलकर के और सिर पर वार करके और उसकी हत्या कर दी थी। और घटना के बाद इन लोगों ने जिन लोगों से कहा था कि हमसे ये गलती हो गई है, ऐसे लोगों को भी हमने चिन्हित कर लिया है, उनसे भी हमारी पूछताछ हो गई है। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिसमें और भी अन्य खुलासे होने की संभावना है। JSR टाइम्स के लिए बेटमा से निर्मल पेरुलिया की रिपोर्ट।